आप में से भी किसी एक भाई ने प्रश्न पूछा था कि 30 दिन ब्रह्मचर्य करने से क्या होगा, 30 दिन ब्रह्मचर्य करने से क्या होगा। तो भाई देखो मैं आपको बताता हूँ 30 दिन ब्रह्मचर्य करने से क्या क्या होने वाला है। वैसे तो मेरे भाई बहुत कुछ होता है जो 30 दिन ब्रह्मचर्य करता है, ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है, अपने वीर रक्षा करता है, असली तो मजा उसको ही पता होता है जो उसका पालन कर रहा होता है। मैं तो सिर्फ एक मोटा मोटा हवा हवा में एक आंकड़ा बताऊंगा कि ये फायदे होते हैं, लेकिन असली फायदे अगर आपको जानने हैं तो मेरे भाई आप 30 दिन का चैलेंज लो और देखो कितने भयंकर बदलाव आपके शरीर के अंदर होते हैं। फिर आप कहोगे भाई यार मैंने कितनी अपनी ऊर्जा का नाश कर लिया, अमृत रूपी जो वीर है उसका मैंने नाश कर लिया। तो मेरे भाई आप पहले जानो ब्रह्मचर्य के 30 दिन के क्या क्या फायदे हैं। नंबर एक पर है आपकी बुद्धि बढ़ेगी। जब आपकी आप वीर रक्षा करोगे तो आपके शरीर को अच्छे से पोषक तत्व मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, तो जिससे आपकी बुद्धि बढ़नी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। नंबर दो पर है आपकी फुर्ती बढ़ेगी। अभी तो आपका शरीर सुस्त है, आपने ब्रह्मचर्य का नाश कर लिया, शरीर स्वस्थ हो गया, लेकिन जहां ब्रह्मचर्य की रक्षा करी शरीर आपका क्या होने लगेगा, स्वस्थ होने लगेगा, और सुस्त से हटके स्वस्थ होने लगेगा, आपके शरीर में फुर्ती आने लगेगी। नंबर तीन पर है आपके शरीर में ताकत बढ़ेगी। ताकत, आप अभी आलसी थे, निठल्ले थे और आप कुछ कर नहीं सकते थे, शरीर में हिम्मत नहीं थी, लेकिन जब से आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया है आपके शरीर में ताकत आनी शुरू हो गई है। अब जब भी कोई आपको कुछ काम कहता है या भारी भरकम वेट उठाने के लिए कहता है आप तुरंत उठा देते हो मात्र 30 दिन के ब्रह्मचर्य पालन से। लेकिन जब आप लंबे समय ब्रह्मचर्य पालन करोगे तो भारी से भारी भरकम वेट भी उठा सकते हो। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे बॉडी बिल्डर या बहुत सारे पावर लिफ्टर या बहुत सारे पहलवान, बहुत सारे अपने देसी ब्रह्मचारी अभी हाल ही फिलहाल में देखने को मिल रहा है जो निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, भारी से भारी भरकम वेट उठाकर दिखा रहे हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं। नंबर पांच पर है मन शांत रहेगा आपका। आपका मन शांत रहेगा क्योंकि आपको एक दिशा मिल जाएगी कि मुझे अपने मन को किस जगह लगाना है। अभी तो आप खाली मन शैतान का घर आप बैठे हो, कुछ कुछ दिमाग में चल रहा है, लेकिन जब आपके पास लक्ष्य होगा ब्रह्मचर्य तो आपका मन धीरे धीरे भाई मेरे भाई शांत रहेगा, आपका स्तर बढ़ेगा, आपके दोस्त, आपके जानकार, आपके रिश्तेदार पड़ोसी बोलेंगे कि ये चुप क्यों बैठा है, ये बंदा चुप क्यों बैठा है, जबकि आप चुप इसलिए बैठे हो कि आपका स्तर बढ़ रहा है। आप किसी के जवाब का कोई आपसे प्रश्न पूछ रहा है फालतू जवाब नहीं देना चाहते, आप किसी से फालतू भी बहस नहीं करना चाहते क्योंकि आप अपने स्तर को बढ़ा रहे हो। आपको पता लग गया है कि फालतू बहस करके क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी के प्रश्नों का उत्तर देके भी कुछ नहीं मिलने वाला, अपने ऊपर काम करने से ही कुछ मिलेगा। तो मेरे भाई अपने ऊपर काम करो, अपना स्तर बढ़ाओ। अगला जो फायदा आपको होने वाला वो है आपका स्टैमिना बढ़ेगा मेरे भाई, स्टैमिना। आप देखना अभी आप जहां 1 से 1.5 किलोमीटर दौड़ लगाकर थक जाते हो वहां आप 5-10 किलोमीटर दौड़ लगा के नहीं थकोगे, फिर भी कहोगे यार अभी तो बहुत स्टैमिना भरा पड़ा है भाई चल। ये होता है ब्रह्मचर्य करने का फायदा। नंबर जो अगला फायदा है वो है मेरे भाई चेहरे पर क्या आने लगेगी मेरे भाई, चमक। चेहरे पर जो साइन मार रही है ना मेरे भाई, ये चेहरे पर आपकी चमक आने लगेगी। ये ब्रह्मचारियों की पहचान होती है चेहरे पर चमक, चमकते हुए चेहरे। आपने देखा होगा आजकल मुरझाए हुए चेहरे जो बच्चों के बैठे हैं, मुरझाए हुए चेहरे बने बैठे हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य करने वाले के चेहरे चमक रहे हैं, तेजस्वी चेहरे हैं। और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले किस समय उठते हैं, सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे, और शास्त्रों में आया है उगता हुआ सूर्य सोते हुए व्यक्ति के चेहरे को तेज को हर लेता है। व्यक्ति अगर सूर्य के उदय से पहले उठ रहा है तो उसके चेहरे पर क्या आएगी, चमक। तो ब्रह्मचर्य के चेहरे पर क्या आती है, तो ब्रह्मचारियों के चेहरे पर क्या आती है, चमक। चमक आपके चेहरे पे मेरे भाई बनी रहेगी और बहुत बढ़िया चमक आएगी भाई। ये मोटे मोटे फायदे मैंने आपको 30 दिन ब्रह्मचर्य पालन करने के बताए हैं। वैसे जो ब्रह्मचर्य करेगा उसको असली फायदे मिलेंगे। तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कौन आज से ब्रह्मचर्य शुरू कर रहा है।